आइए एक और मौका आपके बीच में मिला, एक और उपदेशक बात आपके बीच में रखूंगा इस आजकल के जमाने पर। और किस तरह की आजकल यारी रिश्तेदारी है और किस चीज के बिना क्या चीज अधूरी है, कवि ने बहुत सोच समझ के ये शब्द रखे हैं इस रागनी में। एक एक शब्द ध्यान से सुनना कि आजकल बनी बनी के रिश्तेदार हैं, किसी के पास पैसा है तो उसके हजारों दोस्त हैं, हजारों रिश्तेदार हैं, लेकिन अगर किसी आदमी के पास पैसा नहीं है या पैसा खत्म हो जाता है तो रिश्तेदार भी मुंह बदल लेते हैं, राम राम तक नहीं करते और रास्ते से निकल जाते हैं। ये भी नहीं पूछते कि भाई पड़ोसी हमारा फलाना रिश्तेदार इस गांव में है या यहाँ पर है। तो एक एक शब्द बहुत सुनने लायक है, सुनेंगे इस राग में। परिवार होना चाहिए, किस तरह की अपनी औरत अपने बच्चे होने चाहिए। स्त्री वो हो जो कभी उल्टी ना बोले, कभी गलत ना बोले। उसका मर्द, उसका आदमी अगर चार लोगों में बैठा है तो वहां नेमी से बात करे। लड़की लज्जावती हो और पुत्र कैसा हो। क्या लिखा, पत्नी हो तो हो पतिव्रता, भांडी बोल नारी क्या। पत्नी हो तो हो पतिव्रता और भांडी बोले नारी क्या। बात समझ रहे हैं ना आप। पत्नी हो तो हो पतिव्रता, भांडी बोले नारी क्या। सलाह नहीं पत्नी की माने, ऐसा पति नारी क्या। सलाह नहीं पत्नी की माने, ऐसा पति नारी क्या। पुत्र वही जो पिता कहे का, पुत्र अवज्ञाकारी क्या। लज्जावती पुत्री हो, निर्लज्ज पुत्री प्यारी क्या। लज्जावती अच्छी लगे कूकती, कोयल अच्छी लगे कूकती, बेशक रंग में पारी क्या। परण भावे नायारी का, ऐसे नर से यारी क्या। परण भावे नायारी का, ऐसे नर से यारी क्या।
छोटे लाल जी बैठे वाले भावी चेयरमैन खुश होकर के 101 रुपए से मेरा मान सम्मान करते हैं, मैं उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। क्या लिखा? दान नहीं देता योग्य कृपण की साहूकारी क्या, सौदा में जो खा जाए धोखा ऐसा भी व्यापारी क्या, सौदा में जो खा जाए धोखा ऐसा भी व्यापारी क्या, पहरे में चोरी करवा दे ऐसी चौकीदारी क्या, गुनहगार को पकड़ सके ना ऐसी थानेदारी क्या, गुनहगार को पकड़ सके ना ऐसी थानेदारी क्या, जिसका जाए चूक निशाना हो, जिसका जाए चूक निशाना उसका नाम सिपाही का, प्राण भावे नायारी का ऐसे नर से यारी का, प्राण भावे नायारी का ऐसे नर से यारी का, डॉक्टर सुरेश चंद शर्मा जी इसी बात पर खुश होकर के 101 रुपए से मेरा मान सम्मान करते हैं, उनका भी मैं तहे दिल से बार बार धन्यवाद करता हूँ। दान नहीं दे यथा योग्य कृपण की साहूकारी क्या, हमारे पास चाहे लाख माया है जब तक हम उसमें से कुछ दान नहीं करेंगे हमारी उस माया का कोई फायदा नहीं। और सौदा में जो खा जाए घाटा ऐसा भी व्यापारी का, अगर आप व्यापारी है कोई और सौदा में घाटा खा रहा है तो वो किस चीज का व्यापारी है? एक एक बात सुनने लायक। क्या लिखा अगली कली में? पहुंच सके ना जो मंजिल तक उसका नाम सवारी क्या, बैठे बिना कुल्हाड़ी कैसी बिन दांतों के यारी क्या, बैठे बिना कुल्हाड़ी कैसी बिन दांतों के यारी क्या, मांगी चीज लौट जाए लेके उसका नाम उधारी क्या, दूध देन में लात मार दे ऐसी गौ दुधारी क्या, दूध देन में लात मार दे ऐसी गौ दुधारी क्या, न्याय छान के नहीं करे जो न्याय छान के नहीं करे पंचों की सरदारी क्या, प्राण भाव नर से आरी क्या, परण भावे नारी का ऐसे नर से आरी क्या। मंजिल तक उसका नाम सवारी क्या, चाहे हमारे पास मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, हवाई जहाज हो, जब वो मंजिल तक ही नहीं पहुंच पाएगा तो उसका होने ना होने से क्या फायदा है? बेंटे बिना कुल्हाड़ी कैसी और बिन दांतों के आरी क्या, क्या अगर कुल्हाड़ी के बेंटे को निकाल दिया जाए क्या आप उससे लकड़ी काट सकते हो? किसी काम की नहीं है। आरी के दांते ना हो
तो उसे कितना भी चला लो, कितना भी घुस लो, वो कोई काम नहीं करेगी। और गऊ गऊ धन है, अच्छा दूध देता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब दूध देने में लात ही मार जाए, दूध दे ही ना या दूध को फैला दे, तो ऐसी भी गऊ से क्या फायदा। अगली कली में और सुनने लायक शब्द क्या लिखा, पेट भरे ना मजदूरी से ऐसी पल्लेदारी क्या, मांगे ना जो परमारत हित उसका नाम भिखारी क्या, मांगे ना जो परमारत हित उसका नाम भिखारी क्या, रण क्षेत्र में पीठ दिखा दे छत्री तेगा धारी क्या, खेल भावना से ना खेले उसका नाम खिलाड़ी क्या, खेल भावना से ना खेले उसका नाम खिलाड़ी क्या, संतोषी लिख नया गीत ओ, संतोषी लिख नया गीत यन कवियों की बंजारी क्या, करण ने भावना ऐसे नर से आई क्या, पर्ण निभावे ना यारी का ऐसे नर से आई क्या, राम नाम में बिटोताया जा, राम नाम में बिटोताया जा, ऐसी रिश्तेदारी क्या, पर्ण निभावे ना यारी का ऐसे नर से आई क्या, पर्ण निभावे ना यारी का ऐसे नर से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां।